हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉट एकेडमी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं यूपीएससी और बीपीएससी से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने प्रीलिम्स के पॉलिटी सब्जेक्ट को डिकोड कर दिया है और जिसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी, और मैं मॉडर्न की भी प्लेलिस्ट बना दिया हूं और उसमें मैंने 9 सेगमेंट में उसको सेगमेंट किया था, डिकोड किया था 2011 से 2020 के बीच में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। उस बेसिस पे मैंने 9 वीडियोस का एक सीरीज बनाया जिसमें मैं ऑलरेडी 8 वीडियोस बना चुका हूं, और ये 9th और लास्ट वाला वीडियो है जिसमें 1939 से लेके 1947 के बीच जो मॉडर्न हिस्ट्री का पीरियड काल था, उस काल से यूपीएससी ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे, उसको मैंने एक रीअरेंज फॉर्म में डिकोड किया है और आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ उसका इनसाइट, कि उस क्वेश्चंस को देख के आप एग्जामिनर के माइंड को समझिए और देखिए कि एग्जामिनर कौन से एरिया से क्वेश्चंस फॉर्म करता है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, यूपीएससी वही पूछता है वो जो पूछते आया है। तो ये कैसे जानेंगे हम उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनके ऑप्शन से हम समझ पाते हैं कि वो किस तरह से उनका माइंडसेट चल रहा है। उनके माइंडसेट को समझ लिया और उनके माइंडसेट को पकड़ते उनके पूरे के पूरे डाटाबेस को हमने हैक कर लिया, और यहाँ से इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे हम अपने प्रिपरेशन को मोल्ड करेंगे और किस तरह से पढ़ेंगे और किन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होता है, एग्जाम में हमेशा आता ही आता है, तो हमारा एग्जाम जो है बहुत ही श्योर शॉट हो जाएगा। दैट्स वाई आई कॉल्ड माई मैथड एज ए श्योर शॉट मैथड और रिवर्स इंजीनियरिंग मैथड। रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड उसको कहते हैं जिस मेथड में आप बुक पढ़ के, सिलेबस पढ़ के क्वेश्चंस पेपर नहीं देते हो, जिसमें आप पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो, फिर बुक्स पढ़ते हो, फिर सिलेबस पढ़ते हो, और तब उसके अकॉर्डिंगली आप रिवर्स वे में प्रिपेयर करते हो। दैट्स वाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज ए रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड। ये चूंकि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो मैं इंजीनियरिंग के ग्रेजुएशन के दौरान मैं ये चीज़ें सीखता था और वो उसको इंप्लीमेंट करते करते मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्टूडेंट था, और आई वॉज अ टॉपर इन मैथमेटिक्स बिकॉज ऑफ दिस मैथड। एंड आई कुड नॉट इम्प्लीमेंट माई दैट मैथड इन यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी बिकॉज हियर आई वॉज फॉलोइंग माई मेंटर एंड माई इंस्टीट्यूशन गाइडेंस। जो टीचर और जो इंस्टीट्यूट थे जिनको मैंने ज्वाइन किया था, उनके बेसिस पे मैं उनके गाइडेंस को फॉलो कर रहा था, और अपना इनर सेल्फ मैंने रियलाइज नहीं किया, और अपने इनर सेल्फ और अपने सेल्फ जो मेथड था जो मैंने इन्वेंट करके और अपनी अपनी बाकी के स्टूडेंट जर्नी में, मैं एकेडमिकली एक्सीलेंट स्टूडेंट रहने के बावजूद भी इस यूपीएससी के एग्जाम में मैं फेल कर गया बिकॉज ऑफ मेनली टू रीजन। फर्स्ट वन इज द वेग सिलेबस एंड द लिमिटेड अनलिमिटेड रिसोर्सेज, एंड द सेकेंड दैट आई कुड नॉट डिकोड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन to solve and to predict the next upcoming examination. तो उसी सिलसिले में इसको decode किया हूँ। Now I'm very sure of कि ये exam बहुत sure sort तरीके से crack किया जा सकता है without any problem, without any failure. This is a इसको ये कह सकते हैं कि ये failure proof जो है आपका ये method है। अगर आप जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे आप समझ पाएंगे, अगर क्वालिटी की मेरे सारे प्लेलिस्ट देखेंगे आप वीडियोस, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि सच में मैंने इस एग्जाम को कितना अच्छे से डिकोड कर दिया है। सिमिलर लाइन पे मैंने मेंस को भी डिकोड किया हुआ है। प्रीलिम्स का जितना भी सब्जेक्ट है उनको खत्म करने के बाद मैं तुरंत मेंस में स्विच करूंगा और उसको भी डिकोड करके आप लोगों के सामने बताऊंगा। दिस इज अ वेरी यूनिक एंड वेरी यूनिक मेथड टू प्रिपेयर विद अ श्योर शॉट मेथड, और इससे आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। इस सिलसिले में मैं खुद भी एग्जाम दे रहा हूं, और एग्जाम मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट मैं नेक्स्ट ईयर दे भी रहा हूं, और वो मेरा 9th एंड लास्ट अटेम्प्ट होगा, एंड दैट विल बी माय बेस्ट अटेम्प्ट, एंड आई विश दैट आई विल क्रैक दिस एग्जाम विद अ वेरी वेरी श्योरिटी। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलता हूँ और वहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। आप केवल क्वेश्चन आंसर को ना देखिएगा, उस क्वेश्चन आंसर को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जो मैं बताना चाहता हूँ बात, जो इनसाइट्स, जो विजन आपको दिखाना चाहता हूँ, जो बातें मैं एग्जामिनर के माइंड को रीड करना सिखा रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा।
मैं बता दे रहा हूँ कि किस तरह से मेरे इस मेथड को फॉलो करना है। आप मेरे वीडियोस देखने से पहले वीडियो के लिंक में मैंने उस वेबसाइट का इस कंटेंट का मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से जाके आप प्रिंट आउट कर लेंगे, फिर इस वीडियो को उस कंटेंट के साथ साथ देखेंगे और उसके बाद से जो मैंने रिसोर्सेज बताए हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं मेन रिसोर्सेज में तमिलनाडु की 11th 12th क्लास की हिस्ट्री की बुक रखी है और सप्लीमेंट्री बुक मैंने स्पेक्ट्रम रखी है, उन दोनों को ले लेंगे और फिर उसके बाद से इसको वीडियो देखेंगे मेरा, और वीडियो देखने के बाद से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद से फिर आप बुक में जाएंगे और वहाँ पे इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ढूंढेंगे और वहाँ पे उसको नोट डाउन कर देंगे, योर जॉब इज डन, और उसके बाद से उसी को रिवाइज करते रहेंगे, आपका बहुत अच्छे से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ले चल रहा हूँ आप लोगों को अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। यहाँ पे इसका जो मैंने हेडिंग दिया है वो दिया है नेशनल मोमेंट फेज 3 1939 to 1947 मॉडर्न हिस्ट्री। 2011 से 20 में देखिएगा थोड़ा मैजिक के किस तरह से और किस एरिया से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उस एरिया को किस तरह से यूपीएससी ने डिग डाउन किया है, कितना उसमें खोदा है, किस तरह से इम्प्रोवाइज करके क्वेश्चंस बनाए हैं उसने, सवाल बनाए। तो पहला ही क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, 2011 में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट ट्रू अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में कौन सा ऑब्जर्वेशन जो है वो सही नहीं है, ये क्वेश्चन सही नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन दिया गया इट वॉज ए नॉन वायलेंट मूवमेंट, कह रहा है कि नॉन वायलेंट नहीं है, तो वायलेंट था, इसमें मार काट आगजनी हुई थी, ये नहीं था। इट वॉज लेड बाई महात्मा गांधी, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन जो है कंट्राडिक्टरी। उसमें आंदोलन शुरू होने से पहले तो गांधी जी को और नेहरू को और बाकी जो मेन मेन लीडर थे उठाकर उनको जेल में डाल दिया गया था, तो गांधी जी तो लेट नहीं किए थे, ये मोमेंट था, मास मोमेंट था, लोगों ने खुद ही लीड किया था इसको, जिसमें जयप्रकाश नारायण जेपी जी ने काफी लीड रोल प्ले किया था। तो ये ऑप्शन गलत है। इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस मोमेंट, यस स्पॉन्टेनियस मोमेंट था, कोई प्री प्लान नहीं था, एंड इट डिड नॉट अट्रैक्ट द लेबर क्लास इन जनरल, लेबर क्लास को इन जनरल इसने अट्रैक्ट नहीं किया, तो ये ऑप्शन जो बी एंड डी ऑप्शन है कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन यूपीएससी ने इसका आंसर दिया था बी, एंड मोर अप्रोप्रिएट यहाँ पे बी डी था। तो क्वेश्चन का आंसर तो हम बाद में देख लेंगे, हम ये समझ लेंगे कि यूपीएससी का यहाँ फेवरेट टॉपिक क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड उससे उसके आसपास के इंसिडेंट्स। अब देखिए 2011 में क्वेश्चन पूछा, फिर उसी क्विट इंडिया मूवमेंट से ही क्वेश्चन पूछा गया 2011 में ही, 2011 में पूछा, विथ रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल उषा मेहता इज वेल नोन फॉर, किस लिए उषा मेहता जानी जाती है? तो उषा मेहता क्या करती है, सेक्रेट रेडियो जो है कांग्रेस की, एक सेक्रेट रेडियो चलाती थी जिसके द्वारा लोगों को इंफॉर्मेशन और अवेयर करती थी, एक लेडीज थी, फ्रीडम फाइटर थी। ये भी क्विट इंडिया मूवमेंट का ही टाइम है, जिसका आंसर हो जाएगा ए, रनिंग द सेक्रेट कांग्रेस रेडियो इन द वेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो देख रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट से क्वेश्चन है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक, दो क्वेश्चन पूछ दिया किस साल में। नेक्स्ट ये देखिए, फिर 2012 में नहीं पूछे, 2013 में क्वेश्चन पूछ दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसको भारत छोड़ो आंदोलन हिंदी में कहते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रेस्पॉन्स टू व्हाट, कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों लॉन्च हुआ था, तो फेल्योर ऑफ क्रिप्स मिशन, इसका आंसर है फेल्योर ऑफ क्रिप्स मिशन। तो अब यूपीएससी का आंसर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना चाहिए, क्रिप्स मिशन क्या था, ये मैजिक देखिए, 2015 में क्वेश्चन पूछ दिया कि द प्लान ऑफ सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स इन विसाज दैट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, ये जो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे ये वही क्रिप्स प्लान था जिसके फेल्यूर के बाद से जो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने कौन सा प्लान लाए थे, उनके प्लान में बहुत सारी बातें थी, ठीक है ना, उनके प्लान में बहुत सारी बातें थी,
और उस प्लान को नेग्लेक्ट करके रिजेक्ट किया गया और क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था। तो ये क्या था, उनका प्लान क्या था? उनका प्लान था, वो कहते थे कि इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस, कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आप लोग पार्टिसिपेट करो उसमें। तो अब तक उस समय 1942 की बात आ गई थी, अब हमें तो कुछ और नहीं चाहिए था, हमें तो अब पूर्ण आज़ादी चाहिए थी, कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम ए ब्रिटिश रूल। तो हम लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो इसके बहुत सारे पॉइंट है, तो अब जाके जो क्रिप्स मिशन के और कौन कौन से पॉइंट थे उनको जाके आपको तैयार करना है, ठीक है ना। इसके साथ ही बाकी देखिए यहाँ पे कैबिनेट मिशंस है, कैबिनेट मिशन से क्वेश्चन पूछ दिया है, साइमन कमीशन का रिपोर्ट उससे क्वेश्चन पूछ दिया है, वेवल प्लान से नहीं क्वेश्चन पूछा है, तो देयर इज हाई चांसेस कि वेवल प्लान से क्वेश्चन पूछ दे। तो यूपीएससी अपने ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनाता है, जैसा कि मैं पहले आप लोगों से बता चुका हूँ। और यहाँ देखिए 2011 से लेकर 15 तक क्विट इंडिया मूवमेंट और क्रिप्स से ही चल रहा है, क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। अब इसमें भी एक ऑप्शन आ गया क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब यूपीएससी तो पकड़ लिया भाई कि जो पूछता है वही पूछते रहेगा, लोग फिर पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीजें पढ़ते रहते हैं। अरे वो पढ़ो ना जो एग्जामिनर पूछ रहा है, एंड ये चीजें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके, माइक्रो एनालिसिस करके, डिकोड करके हम समझ पाए कि हमें वही चीजें पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसमें कह रहा है कि इसका क्रोनोलॉजी बताना है। तो इसको क्विट इंडिया में 1942 में सेकेंड आरटीसी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1931 में, और म्यूटिन रॉयल म्यूनिटी उसके बाद हुई थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन, हो जाएगा 3-2-1, इसका क्रोनोलॉजी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। कहने का मतलब है कि अब बाकी जो ऑप्शन है, म्यूटनी इन रॉयल इंडियन नेवी, ये कौन सा म्यूटनी था, क्या हुआ था, इसको भी आप तैयार कर लेंगे, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से भी तैयार कर लेंगे कि कौन कौन पार्टिसिपेट किया था, क्या हुआ था, इस तरह से कर। बाकी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आया है 2014 में ही क्वेश्चन है, रेड क्लिफ कमेटी किस लिए बनाई गई थी। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उसमें ये एक रेड क्लिफ कमेटी बनाई गई थी जो कि इंडिया और पाकिस्तान को जो बॉर्डर को बॉर्डर को डिसाइड करेगी, उनके डिलिमिटेशन कमीशन के लिए ये बनाया गया था, आंसर इज सी। तो इस तरह से इतने ही क्वेश्चंस हैं, बाकी एक्चुअली 1918 से लेकर 1947 के बीच का जो पूरा पीरियड काल है उसमें किस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री का रोल रहा है, किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, पूरा का पूरा मैंने डिकोड कर दिया है, ठीक है। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछ रहे हैं और किस एरिया को आपको तैयार करना है। अपर भी अगर आप ब्लाइंडली तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरा का पूरा संसार पढ़ लेंगे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाएंगे, बिकॉज आपने उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा जो एग्जामिनर पूछ रहा है। यूपीएससी के माइंड को पकड़िए और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप एग्जाम को बहुत श्योरली एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है ना। आई थिंक ये सीरीज खत्म हो गया और मैं नेक्स्ट सीरीज इकोनॉमिक्स का चलाने वाला हूँ। तो उस इकोनॉमिक्स के सीरीज में मैं पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स डिकोड करना होगा, उसमें क्वेश्चन ज़्यादा होंगे क्योंकि हर साल 20-25 क्वेश्चन हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट मैं कोशिश करूँगा कि उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करके और मेंस के स्विच टॉपिक पे स्विच किया जाए और मेंस को डिकोड किया जाए, ठीक है ना। वीडियो आप लोग देखते रहिए, उसको फॉलो कीजिए जैसे जैसे मैं बताया हूँ, बिना किसी टीचर, बिना किसी मेंटर, बिना किसी गाइडेंस, बिना किसी बुक, बिना किसी सही डायरेक्शन के इस एग्जाम को क्लियर कर पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी से पिछले 19 और 20 का जो रिजल्ट आया कोविड के टाइम में भी, वो सारे स्टूडेंट ये बताते हैं और सारे स्टूडेंट का रिजल्ट बताता है कि किसी ने कहीं कोई कोचिंग नहीं किया, सब ने सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को क्रैक किया। और ऑनेस्टली बताऊं तो सेल्फ स्टडी से ही किसी भी एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमें ये प्रॉब्लम रहती है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि करें तो करें कैसे, एक प्रॉपर गाइडेंस और मेंटरशिप नहीं मिल पाते जिस वजह से हम नहीं कर पाते। तो वहाँ पे मेरा रोल प्ले होता है, वहाँ पे मैं अपना रोल प्ले करने के लिए आप लोगों के साथ जुड़ गया हूँ और मैं इस मेंटरशिप और गाइडेंस प्रोग्राम में आप लोगों को हेल्प करूंगा।
मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूँ जिसमें थ्रू जूम और व्हाट्सएप में आप लोगों को मेंटरशिप और गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है, आपकी मर्जी। आपको लगता है कि आप कुछ सीखे हैं तो वॉलेंटरली कुछ डोनेट कर सकते हैं जिससे मैं और अपना एक अच्छा स्टूडियो सेटअप कर पाऊँ और अच्छे से आप लोग को डिलीवर कर पाऊँ। यहाँ मनी मेकिंग माइंड सेट नहीं है मेरा, फॉर देट मैं कुछ और भी चीज़ें अलग कर रहा हूँ जिससे मैं मनी जनरेट कर पाऊँगा अपने सर्वाइवल के लिए। बट यहाँ जो लोग आप लोग डोनेट करोगे या डोनेशन दोगे उसके बेसिस पे मैं और अपने स्टूडियो को अच्छे से इनलार्ज करूंगा, अपनी टीम को थोड़ा सा इनलार्ज करूंगा ताकि और प्रॉपर तरीके से आप लोग को गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूँ और जितनी भी चीज़ों मैंने जो अपने 8 सालों का एक्सपीरियंस में सीखा है वो सारे के सारे आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और आप लोगों के सपने को, ड्रीम को पूरा करने में मदद कर सकूँ। आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को दूसरे दोस्तों और अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सभी के अपने ड्रीम पूरा हो सकें और इस देश को एक अच्छे ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर जो कि प्रिविलेज और सेमी प्रिविलेज क्लास के लोग होते हैं नहीं समझते हैं, लेकिन अंडर प्रिविलेज क्लास के जो लोग हैं या मिडिल या लोअर क्लास के लोग हैं जो कि फाइनेंशली इतना कैपेबल नहीं है कि वो तैयारी कर सकें, लेकिन वो चाहते हैं देश के लिए कुछ करना, समाज के लिए कुछ करना, लेकिन बहुत सारे ऑब्स्टिकल की वजह से वो नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे मेरा गाइडेंस प्रोग्राम काफ़ी हेल्प करेगा और आप अपने घर पे कहीं भी बैठे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं विद अ कंटिन्यूअस हार्डवर्क एंड स्मार्ट हार्डवर्क के साथ। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।